एक छोटा सा देश है, किंतु उन्नति और खुशहाली में बड़े बड़े देश भी इससे कोसों दूर है। इसे एशिया महाद्वीप की शान कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। सुबह के सूर्य की प्रथम किरण जापान को ही स्पर्श करती है। यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं। इनके रोम रोम में देशभक्ति भरी होती है। ये दयालु और सहनशील होते हैं, पर ये देश का अपमान नहीं सह सकते। यहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। किसी विदेशी ने एक जापानी व्यक्ति के देश प्रेम की परीक्षा इस प्रकार ली। आप किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के प्रति आपको कितनी श्रद्धा है? भरपूर। यदि महात्मा बुद्ध आपके देश पर आक्रमण कर दें, तो आप क्या करोगे? जो भी हमारे देश पर आक्रमण करेगा, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। देश हमारे लिए धर्म से बड़ा है। विदेशी व्यक्ति ऐसा उत्तर सुनकर भौचक्का रह गया। जापानियों के देश प्रेम को देखकर उसने दांतों तले अंगुली दबा ली। जापान में भूकंप आते रहते हैं, इसलिए वहाँ ज्यादातर घर लकड़ी और कार्डबोर्ड के बनाए जाते हैं। जापानी लोग अपने घरों को अंदर और बाहर से खूब सजा कर रखते हैं। वे घरों की साफ सफाई पर भी बहुत ध्यान देते हैं। जापानी लोग देश की संपत्ति की सुरक्षा और उसकी देखभाल करना अपना कर्तव्य मानते हैं। वे अपने थैले में सुई और धागा अवश्य रखते हैं। यदि यात्रा करते हुए उन्हें बस की सीट थोड़ी सी भी फटी हुई दिख जाए, तो वे तुरंत सुई धागा निकालकर उसे ठीक कर देते हैं। शायद इसीलिए जापान की गणना विकसित देशों में की जाती है। कुछ भारतीय छात्र भ्रमण के लिए जापान गए हुए थे। उन्होंने जापान के अनेक शहरों का भ्रमण किया। अंत में छात्र भारत लौटते समय जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। दिल्ली के लिए उनकी उड़ान साय 8 बजे की थी। छात्रों ने सोचा, क्यों ना आज फिर टोक्यो में कुछ समय घूमा जाए। गाइड ने उन्हें बताया कि आजकल टोक्यो में एक पुस्तक मेला चल रहा है। सभी छात्र मेले में पहुंच गए। उन्होंने अपनी अपनी पसंद की पुस्तकें खरीदी। एक छात्र को एक पुस्तक पसंद आई जो कुछ पुरानी सी लग रही थी। उसने सोचा कि इस पुस्तक को खरीदने पर कुछ छूट मिल जाएगी। वह पुस्तक लेकर पुस्तक विक्रेता के पास गया। पुस्तक विक्रेता ने छात्र से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? छात्र ने कहा कि वह भारत से आया है और इस पुस्तक को खरीदना चाहता है। पुस्तक विक्रेता ने कहा, यह किताब अच्छी हालत में नहीं है, मैं इसे आपको बेचना तो दूर मुफ्त में भी नहीं दे सकता। हाँ, यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं इसकी दूसरी प्रति आपके लिए जरूर मंगवा सकता हूँ। छात्र ने सोचा शायद पुस्तक विक्रेता ज्यादा पैसे लेना चाहता है, अतः उसने पुस्तक लेने में अनिच्छा प्रकट की। दुकानदार बोला, आप घबराइए मत, मैं यह पुस्तक आपको उपहार में दूंगा। यह कहते हुए उसने अपने नौकर को पुस्तक लाने भेज दिया। 10 मिनट बाद नौकर नई पुस्तक लेकर आया। दुकानदार ने अच्छी तरह से जांच परख कर पुस्तक छात्र को दे दी।